जिलाधिकारी सोनिका सिंह आज मसूरी पहुंची और उन्होंने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग पेयजल निगम, नगर पालिका परिषद मसूरी, जल संस्थान, विद्युत विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की समस्याओं से तुरंत निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने मसूरी मॉल रोड के सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में कार्य की गुणवत्ता के साथ ही कार्य पूर्ण करने की हिदायत दी है। उन्होंने मौके पर ही कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कार्य में की जा रही लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। इस मौके पर कई सुझाव जिलाधिकारी को दिए गए, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, UPCL, पेयजल, PWD, MDDA, नगर पालिका सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। नहीं, अभी कार्य तो कर रहे हैं। जो पैच वर्क के लिए मेनली कहा गया था वो कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बरसात भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब इसको पैचेस को भरा जाए और लोगों को असुविधा अब इसके बाद ना हो। बिल्कुल पीछे करने की बात है, ऐतिहासिक ये अभी हमारे यहाँ पे जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा बताया गया कि वो बैरियर थोड़े से पीछे की तरफ होने चाहिए, जो पहले भी इंस्ट्रक्शंस शायद जो मीटिंग के मिनट्स देख रहे हैं उसमें दिए गए थे, तो उसी के क्रम में नगर पालिका और पुलिस विभाग को कहा गया है कि अकॉर्डिंगली ये एक जनरल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नगर पालिका देख रहा है और नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से काफ़ी बढ़ जाती है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफ़ी हैं, तो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि जो भी कार्य करने हैं उस समय के अंतर्गत कर दें और ढंग से करें। मैम, मसूरी मॉल रोड के ब्यूटिफिकेशन के लेकर लगातार MDDA काम कर रहा है, तो आप किस तरीके के कार्य योजना है, कई काम अभी भी पेंडिंग है उसको लेकर आपके द्वारा निर्देश दिए गए? तो MDDA के द्वारा जो कार्य होने थे उनमें काफ़ी कार्य कंप्लीट हो गए हैं और दो तीन काम जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग होनी है और टॉयलेट्स का रेनोवेशन होना है, ये सारे कार्य अभी पेंडिंग है जिनके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। उसके अलावा जो नगर पालिका के द्वारा जो काम होने हैं उनमें भी कुछ कार्य थे जो कि नहीं हो पाए थे, उनके लिए टाइमलाइन फिक्स। उसके दूसरे दिन पर होटल का बोर्ड हो जाता है। मैडम, बहुत बड़ा एक इशू है शहर के लिए कि उसको आवासीय भवन में नक्शा पास करने के बाद उसको जी, तो SDM को भी यही इंस्ट्रक्शन थे जो पिछली बार की बात हुई थी उसके बाद से, एक तो STP का इशू आया था पिछली बार और एक ये इशू आया था, तो अब ये सर्वे करेंगे और अकॉर्डिंगली जो कार्रवाई कर सकते हैं MDDA द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कीजिए। मैम, ये भी देखा जा रहा है कि आपने आज जो मीटिंग में नोडल अधिकारी जो किए हैं, जो सारे विभागों में सामंजस्य बनाएंगे, वो किस तरीके की कार्य योजना है जिससे कि जो काम है वो तेज गति में हो? मेनली जो MDDA के द्वारा ब्यूटिफिकेशन का कार्य होना है उसमें बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए MDDA को कहा गया है कि वो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय बिठा के ये कार्य पूर्ण करें।